पुलिस थाना सुजानपुर के तहत दाड़ला पंचायत के पास सुजानपुर हमीरपुर सड़क पर बने पुल के कार्य में लगे प्रवासी दंपति की 2 वर्षीय बेटी को टिप्पर से कुचलने के कारण मौत हो गई है। पुलिस ने टिप्पर चालक के बयान कलम बंद करके मामला दर्ज कर लिया है। मामला उपमंडल सुजानपुर की पंचायत दाड़ला का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कनिका पुत्री शंकर निवासी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। वर्तमान में सुजानपुर हमीरपुर मुख्य मार्ग पर बन रहे नए पुल के निर्माण कार्य में मृतका के पिता बतौर दिहाड़ी मजदूरी का कार्य कर रहे थे। इसके चलते इनका निवास धारला पंचायत नजदीक संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास बना हुआ था, जहाँ पर ये परिवार पूरा रहता था। वहीं पर ही पुल के निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री के लिए डंपिंग साइट बनाई गयी थी। जब निर्माण सामग्री का एक भरा हुआ टिप्पर निर्माण सामग्री लेकर वहां पहुंचा, तो उसी दौरान 2 वर्षीय बच्ची टिप्पर के नीचे आ गई और मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पंचायत प्रधान जगन कटोच सहित सुजानपुर थाना की टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टिप्पर चालक के बयान कलमबंद कर मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा गया है। ड्राइवर के अनुसार जब वह गाड़ी लेकर आ रहा था, तो उस दौरान वहां पर 2-3 बच्चे खेल रहे थे। उनको वहां पर खेलता देखा, वह गाड़ी से नीचे उतरा और सभी को वहां से हटाया। इसके बाद गाड़ी चलाने लगा तो एकाएक एक बच्ची टिप्पर के नीचे आ गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। वाहन को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मामला हमारे सामने आया है, जिसमे सुजानपुर में ही भलेट के नज़दीक एक टिप्पर चालक ने, जिनका नाम अर्जुन सिंह है, पालनपुर के 42 वर्षीय अर्जुन सिंह जो पालनपुर के रहने वाले हैं, उनके टिप्पर से जब वो रिवर्स कर रहे थे टिप्पर को, तो वहीं स्थित जो प्रवासी मजदूर हैं उनके झुग्गी झोपड़ियाँ और उनके घर थे, तो वहाँ पे एक 2 वर्ष की एक बच्ची जो है वो उस टिप्पर के नीचे आ गई। और वो छत्तीसगढ़ के रहने वाला परिवार है इस बच्ची का, और दुर्भाग्यपूर्ण इस बच्ची का देहांत हो गया। उसके बाद हमने थाना सुजानपुर में ही गैर इरादतन हत्या यानी 304A के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।